अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात अच्छे होंगे। आज बात करेंगे शहाब भाई को लेकर के, वही शहाब भाई जो केरला से मक्का शरीफ का सफ़र पैदल शुरू कर दिया है। मेरे अहबाबों, मैं तमामी जानकारी आप तमामी हज़रात के नज़दीक रखने की कोशिशें करूँगा। उससे पहले, आप अगर पहली मरतबा आए हैं इस चैनल पर तो आपका खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। मेरे अहबाब, अगर पहली मरतबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर इस्लामिक वीडियोस आप तमामी के नज़दीक पहुंचती रहे और आप उस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मेरे अहबाबों, चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं बता दूँ, शहाब भाई वो है जो केरला उनका घर है और केरला से मक्का शरीफ का सफ़र पैदल शुरू कर दिया है। मेरे अहबाब, तकरीबन वो काफ़ी दूर निकल चुके हैं, पाकिस्तान के करीब हैं, वो राजस्थान में अभी मौजूद हैं और भर दिन सफ़र करते हैं। जहां शाम हो जाती है, जहां रात हो जाते हैं, वहीं वो रुक जाते हैं, वहीं क़याम गाह अपना बना लेते हैं। मेरे अहबाबों, मैं बता दूं, इंशाअल्लाह ताला ज़रा गौर करें, कोई दुनिया उसे पहचानती नहीं थी, लेकिन अब जहां देखे, जहां जा रहे हैं, आशिकों की भीड़ लग जा रही है। जिस रास्ते से गुज़र रहे हैं, जब लोगों को जानकारी हो रही है कि शहाब भाई इस रास्ते से आ रहे हैं, तो मेरे अहबाबों, मैं बता दूं कि काफ़ी सारे भीड़ लग जाते हैं। तकरीबन तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छः घंटे से लोग उस रास्ते पर खड़े रहते हैं ताकि शहाब भाई जब आए तो उनकी ज़ियारत मैं कर सकूं, शहाब भाई जब आए तो उनसे सलाम अर्ज़ कर सकूं, शहाब भाई जब आए तो उनको कह सकूँ कि जब आप खुदाए तआला के उस मुक़द्दस बारगाह में जाए तो मेरा सलाम अर्ज़ ज़रूर कर दे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर। मेरे अहबाबों, आप हजरात के कमेंट को लेकर के मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि शहाब भाई पाकिस्तान पहुँच गए। मेरे अहबाबों, मैं बता दूँ, शहाब भाई अभी पाकिस्तान नहीं पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे वो पहुँचेंगे, मैं बहुत जल्द आप तमामी हजरात के पास जानकारी रखने की कोशिशें करूँगा। मेरे अहबाबों, अगर ये इस छोटे भाई से किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो आप इसलाह ज़रूर करें और छोटा भाई समझ करके माफ़ कर दें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। शब्बा खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।